जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। दादू हूँ जल में बसे, जल में तो मेढक भी रहता है, पर जाने मील मिलाम, लेकिन जल से मिलने का सुख क्या है ये मेढक नहीं जानता, वो तो मील जानती है। क्यों? मील और मेढक में भेद क्या है? क्या भेद है मील और दादू में? दादू को जीवन धारण करने के लिए जल की आवश्यकता है और मील के लिए जल आवश्यकता नहीं, व्यवस्था है। मील के लिए जल व्यवस्था है, उसके बिना वो जीवन नहीं धारण कर सकता। तो दादू रूप जल में बसे, फिर जाने मील मिला। तो जैसे कि अलौकिक घटना घटी, इस घटना के घटने में भूमिका भी बड़ी अलौकिक है कि उस अत्यंत जहां सांद्र रस, सघन रस, निविड़ रस और सब अपनी उस निविड़ अनुभूति में मग्न हो रहे हैं, एकाएक श्री ललिता जी के मन में लोकहित की भावना जगती है। ये मुझे लगता है कि क्योंकि यहां का रस ऐसा है कि जिसको मिला है वो मौन हुआ है, लेकिन ये किंचित जो चीता रसिकों की कृपा से पढ़ा तो मुझे लगता है कि वो ललिता जी के भाव का ही संक्रमण होता आया है, क्योंकि जिसने पाया जिसने गाया वो मौन हो गया, वो तो डूब गया। जैसे डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, आप विचार करके देखिए, जिस समय आप जल में डुबकी लगाते हैं तो जितनी देर जितनी घड़ी जितने क्षण आप जल के भीतर हैं उतनी देर आप बोल नहीं सकते, तो जो डूबा है वो बोल नहीं सकता। और यहां के रसिकों ने डूबकर बोला है, डूबकर गाया है, डूबे हैं और फिर बोले हैं, तो कहीं ना कहीं उस अत्यंत निविड़ रसानुभूति में कहीं ना कहीं लोक मंगल की वो भावना उदीयमान हुई है, लोक मंगल की कामना उदीयमान हुई। और ये लोक मंगल की जो कामना है ये महामहिम की हृदय में उठने वाली कामना है, नहीं तो जीव अनंत अनंत जन्मों से भगवत चरणारविंद से विमुख कभी सन्मुख हो ही नहीं सके अगर प्रभु के चरणों में लोक, प्रभु के हृदय में लोक मंगल का संकल्प स्फुरित ना हो। और भगवान के हृदय में, ध्यान देना, भगवान के हृदय में जब लोक मंगल का संकल्प स्फुरित होता है वही संकल्प संत भक्त और आचार्य का रूप लेकर इस धराधाम पर अवतरित होता है। संत कुछ नहीं है, वो भगवान के हृदय में उठने वाला लोक मंगल का संकल्प है। आचार्य कुछ नहीं है, भगवान कह रहे आचार्य माम विजानियात, गुरु गोविंद ना भेद कराई हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। सेवक जी बार बार संकेत कर रहे हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, और सेवक जी तो और आगे की बात करते हैं कि जिन जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु थे प्रभु भारी, वो मेरे प्रभु का भी प्रभु है जिसने मुझे ये मार्ग दिया, इसीलिए हम गा रहे थे। यहाँ रसिकों ने, आप उत्सवों की पद श्रृंखला देखिए, यहाँ रसिकों ने इतना आनंद प्रिया जी के प्राकट्य उत्सव पर नहीं मनाया है, लाल जी के प्राकट्य उत्सव पर नहीं मनाया है जितना श्री महाप्रभु के उत्सव पर मनाया है। जितनी बधाइयां महाप्रभु के उत्सव पर प्रकट हुई है अन्यत्र नहीं मिलेगी, लेकिन जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। विचार करके संत और है क्या, आचार्य क्या है? वो महामहिम के हृदय में उठने वाला संकल्प है। निकुंज की सीमा में जो लाल जी के मन में प्रिया जी की सेवा का संकल्प स्फुरित होता है तो सहचरी का मूर्त रूप धारण करता है। और इस लोक में विश्वंभर के हृदय में जब विश्व के मंगल की, लोक के मंगल की कामना उदीयमान होती है, संकल्प स्फुरित होता है, वही संकल्प संत के रूप में, भक्त के रूप में, आचार्य के रूप में इस धरा नाम पर प्रकट होता है। तो रास मध्य ललितादिक प्रार्थना चुकी है, शब्द आया रास मध्य, अर्थात रास का विश्राम नहीं हुआ, उस निविड़ आनंद की अवस्था में एकाएक ललिता जी के मन में करुणा का भाव उदय हुआ, दया का भाव उदय हुआ। इसलिए एक बात मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं, मुझे ऐसे लगता है कि धर्म को धारण करने वाला ही धर्मी होता है, धर्म की चर्चा करने वाला नहीं, धर्म की वार्ता करने वाला नहीं। इसलिए महाप्रभु अपनी उपासना का आरंभ करते सब सोहित, क्योंकि
और वंशी तब प्रेम रूपिका और वंशी दोनों के मध्य प्रेम के रूप में अवस्थित है। ललिता जी के मन में कामना उठती है, इसीलिए शायद गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु सब स्वासा राम ते अधिक राम करिया। रास मध्य और ललिता की प्रार्थना चुकी है, एकाएक ललिता जी के मन में उन्हें त्रिताप में तपते जीव की सुध हो आई, स्मरण हो आया, श्री प्रिया जी के चरणों में जाकर विनती करने लगी कि लाडली इतनो मांगे दीजे। श्री प्रिया जी कहने लगी, या एकाएक रास के मध्य ललिता जी, आपके मन में कैसी कामना को उदय भय हुए? तो श्री ललिता जी प्रिया जी से कहती है कि स्वामी आप संकल्प ले कि आप मेरे मनोरथ पूर्ण करेंगे तो मैं आपके चरण में निवेदन करूं। उसे प्रिया जी उत्तर देती कि ललिता कोई कछु संशय है? आपको कैसा संशय है? नहीं प्यारी जी, जो मैं आपसे कहूंगी वो मनोरथ साधारण नहीं है। सो आप पहले संकल्प ले कि आप मेरे मनोरथ पूर्ण करेंगे। प्रिया और प्रियतम को जब भी कोई संकल्प सिद्ध करना होता है, ब्यावला गाते तो आप गाते नेह की देवी तहां पुजाई, और पूज देवी नेह की दो रति विनोद बिहारिणी। वृंदावन में जितना वैभव विलास है, जितना रस विलास है, जितना आनंद विलास है, उसकी अधिष्ठात्री कौन है? उसकी अधिष्ठात्री वंशी है, वंशी तक प्रेम रूपिका। इसीलिए भोली सखी कहती है कि वंशी के प्राकट्य पर तो उत्सव मनाने वाली कौन है? उत्सव मनाने वाली स्वयं प्रिया जी है। आओ ललिता आज बधाई गाइए। प्रिया जी के हृदय में आनंद समा नहीं रहा है आज के दिन। श्री ललिता जी से कहती है, आओ ललिता आज बधाई गाइए, आज तुम सब मेरे साथ में बधाई गाओ, और मेरे प्राण की प्राण लड़े की लड़ाइए, याई को याई के बल जिए और जीवन हारे। सजल नेत्र होकर वो मृत नये पिक वैली अपनी सहचरियों से कहती है, याई के बल जिए, मैं और मेरे प्रियतम इसी के बल पर तो जीवन धारण करते हैं कि वंशी ही तो हमारी प्राण स्वरूपिणी है। याई के बल जिए जीवावन हारिए, और याई को सब खेल खिलावन हारिए। और यहाँ प्रिया जी स्पष्ट कर देती है कि जाको ये दे दे मैं बाकी हो रहा हूं। इसलिए रसिक कहते हैं, कैसो पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े की रीज के महल खवासी। कैसो पापी क्यों ना आज के दिवस पर जैसे दर्शन किया ये त्रिराज का द्वार पर, तो तब पूर्ण
उत्तेज संपन्न विग्रह द्वार पर आया देखा। भक्त हृदय जानता है भक्त के दर्शन का सुख क्या है। भूल गए मिश्र दंपति अपनी पीड़ा अपनी वेदना अपना दुख। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। और जैसे आसप को तप्यो पावे सरिता कूल, जैसे ताप से तपे को सरिता का किनारा मिले सगत वृक्ष की छांव मिल जाए। व्यास जी का रोम रोम कहने लगा सुख पा सुनने वाला। और नानक कहते हैं मेरी कथा उसी ने सुनी।
अगर मैं निवेदन कर रहा था आपसे, आपके बुलाने पर आए तो आप स्मरण ठीक से कर रहे हैं, और बिना बुलाए आए तो मैंने प्रभु आपका स्मरण कर रहे हैं। इस संसार में एक यही घटना है जो बिना भगवत कृपा के, जो बिना भगवत की अनुकंपा के जीव के जीवन में प्रत्यक्ष नहीं होती। संत का सम्मिलन नहीं होता, संत विशुद्ध में नहीं पर दे ही। राम कृपा शब्द का प्रयोग किया, ऐसे तो वो सबको देखता है। कबीर कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, ऐसे तो वो सबको देखता है, सबको सुनता है, पर वो कृपा दृष्टि से देखता है। जब वो स्नेह सिद्ध दृष्टि से जब देखता है तब क्या होता है, संत विशुद्ध भी नहीं करते। कहीं वाणी कहती है गुरुवान जाऊं सो बेगा सुहागी जित तुम्हारे द्वारे आया, और नानक तो प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। आज से ठीक 15 वर्ष पहले जब पहली बार वृंदावन आना हुआ था, और महर्षि का भी शायद बस कुछ समय से एक आश्रम में आगमन हो गया था, लाखों महर्षि से मिलने के लिए हम लोग गए। पहली बार वृंदावन आया था, और सत्य कहूं तो दर्शन करने नहीं, देखने के लिए आया कि क्या होता है यहाँ। महर्षि के कक्ष में हम लोग मिलने के लिए गए, कुछ चर्चा हुई, महाराज जी ने सत्संग लाभ दिया, और जहाँ महाराज बैठे थे महाराज के बिल्कुल पृष्ठ भाग में श्री महाप्रभु जी ने यही चित्र ऐसे ही चित्र पर विराज हुए। आप श्री महाप्रभु के विषय में बता रहे थे, मेरे कान सुन रहे थे, और मेरी आंखें महाप्रभु की ओर एक तक निहार रही थी। आज मैं आपको अपने हृदय की वो गहनतम अनुभूति आपके साथ में बांट रहा हूं कि इनके मुख से महाप्रभु का यश विस्तृत हो रहा था। मेरे काम सुन रहे थे, मेरी आंखें देख रही थी। मुझे महाप्रभु ने भले सारे विश्व में यहां से वहां घुमा दिया, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो आज भी वहीं बैठा है, वहां से उठा दिया। और जब जब मुझे कभी अपने सौभाग्य का स्मरण करना होता है तो मैं वो घड़ी स्मरण करता हूँ जित तुम्हारे द्वारे आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला और सतगुरु पूरा किया। उस दिन की, उस घड़ी की बनी आई है। वहां संसार की गलियों में भटकता तन मन ये मार्ग मिल गया। रसिकों ने बहुत प्रशस्त कर दिया, क्या दिया था, कुछ भी तो नहीं, क्योंकि बहुत विचार करने के बाद भी देने के लिए कुछ था नहीं। और मैं तो ये भी नहीं कहा कि मैं आपका हूं, मैं तो इतना भी नहीं कह पाया कि मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करिए। कब उनकी उस एक कृपा दृष्टि ने स्वीकार कर लिया, और कब मैं उनका यश गाता गाता इस प्रकार आपके मध्य आकर पहुंच गया। एक ही वो घड़ी है जित तुमने द्वारे आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया, और मेरे रोम रोम ने सुख पाया।